गुड मॉर्निंग गुरुकुल के ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। छतगण, जीवन में यदि आपको सफल होना है तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको कठिन से कठिन स्थितियों में भी, कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपना सब्र, धैर्य, आत्मविश्वास कायम रखना होगा। उसे कभी भी डिगने ना दें और हमेशा पेशेंस से काम लें। छतगण, सहन शक्ति एक ऐसी चीज है जो कि दिखती तो नहीं है लेकिन आगे चल करके बहुत पे करती है, बहुत ज्यादा आपके जीवन में यह महत्व रखती है। इसलिए छतगण, अपने जीवन में इस चीज को जरूर अपनाएं, इस चीज को जरूर महत्व दें और हमेशा धैर्य का साथ कभी भी ना छोड़ें। छतगण, दबाव में, मुश्किलों में, कठिन परिस्थितियों में घबरा जाना, आत्मसमर्पण कर देना, गलत कदम उठा लेना, ये बिल्कुल गलत है। हमेशा याद रखिएगा, असफलताएं ही सफलता की जननी हैं। पूरे विश्व में जितने भी सफल व्यक्तित्वों का इतिहास आप उठा के देख लीजिए, वो अपने प्रारंभिक दौर में बहुत ही असफल रहे थे लेकिन जब उन्होंने सफलता प्राप्त की तो एक लंबी रेखा खींच दी जो कि इतिहास में अमरत्व को प्राप्त करता है। इसलिए छतगण, जीवन में भी आपको यही चीजों का सहारा लेना है, धैर्य बनाए रखना है, मुस्कुराते रहना है और मुस्कुरा के गमों को झेलने का एक जीवन में जो है नियमित अपने आप को जो है एक ऐसा जीवन शैली जीना है जिसकी लोग मिसाल दें। छतगण, इन्हीं सब सकारात्मक बातों के साथ आज मैं कक्षाओं की शुरुआत कर रहा हूं। विजयनगर साम्राज्य में कल हम लोगों ने तालीकोटा, राक्षस तंगड़ी या बन्नीहट्टी का युद्ध 23 जनवरी 1565 को जो हुआ था, जिससे विजयनगर साम्राज्य का पराभव हो गया। दक्षिण भारत की 4 शक्तियां इसमें शामिल थी, अली आदिल शाह के नेतृत्व में, ये सब हम लोगों ने जाना था। आज हम लोग जानेंगे विजयनगर साम्राज्य के अंतिम राजवंश अलविडू वंश के बारे में। हेडिंग बनेगा शायद कहीं अपने नोट्स कॉपी में, अलविडू वंश लिखे। यह विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजवंश था, अंतिम राजवंश था। इसकी स्थापना तिरुमल ने की थी। इनवाइट कॉमा अंडरलाइन छात्रगण, तिरुमल ने की थी। इसने हम्पी के स्थान पर पेनुकोंडा को विजयनगर साम्राज्य की नई राजधानी बनाया था। नेक्स्ट, अलविडू वंश के अंतिम शासक एवं विजयनगर साम्राज्य के अंतिम शासक रंगा ठड थे। छतगण, ध्यान दीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। पैनी निगाहें आपकी होनी चाहिए, एक एक चीजों को ध्यान दें, एक एक चीजों को मनन करें, एक एक चीजों का स्मरण करें, एक एक चीजों को याद रखें। छतगण, क्या सवाल आएंगे गौर कीजिएगा। विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजवंश कौन सा था? अलविडू वंश था। अलविडू वंश की स्थापना किसने की थी? तिरुमल ने की थी। तिरुमल ने हम्पी के स्थान पर विजयनगर साम्राज्य की नई राजधानी किसे बनाया था? पेनुकोंडा को बनाया था। विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? रंगा तृतीय था,
और अरविडु वंश का भी अंतिम शासक था लंगा तृतीय, इसे भी याद रखना है छात्रगण, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, है ना। अब हेडिंग बनेगा छात्रगण, विजयनगर साम्राज्य का प्रशासन, प्रशासन लिखिए। मंत्री परिषद के अध्यक्ष को सभा नायक कहते थे, सभा नायक कहते थे। नेक्स्ट, सेना नायकों को नायक कहा जाता था, नायक कहा जाता था। नेक्स्ट, नायकों को वेतन के बदले सेना का खर्च वहन करने के लिए भूमि का एक हिस्सा दिया जाता था, ऐसे भूमि को अमरम कहते थे। अमरम कहते थे, कहते थे। नेक्स्ट, सैन्य विभाग को कंडाचार कहते थे, कंडाचार कहते थे। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य में दो प्रकार की व्यवस्था प्रशासन में प्रचलित थी, विजयनगर साम्राज्य में दो प्रकार की व्यवस्था प्रशासन में प्रचलित थी। नंबर एक, आयंगर व्यवस्था, आ चुका है क्वेश्चन छात्रगण, बहुत इंपॉर्टेंट है आयंगर व्यवस्था। ठीक है, इसके तहत 12 प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा गांव का शासन चलाया जाता था, जिसे आयंगर व्यवस्था कहते थे, कहते थे। नेक्स्ट, नंबर दो, नायंकर व्यवस्था, नायंकर व्यवस्था लिखिए। विजयनगर साम्राज्य में, साम्राज्य में सेनापति अर्थात सेना का नेतृत्व करने वाले को नायक कहते थे, थे। तथा सैन्य व्यवस्था को नायंकर व्यवस्था कहा जाता था,
नैंकर व्यवस्था कहा जाता था नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य में भू राजस्व या लगान की दर 1/6 थी, 1/6 नेक्स्ट, विधवा विवाह पर कर नहीं लिया जाता था, परंतु विवाह पर कर लिया जाता था, नेक्स्ट, कृष्णदेव राय ने विवाह कर को पूर्ण रूपेण समाप्त कर दिया। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य में विशिष्ट जनों को विशेष सेवाओं के तहत उंबली नमक लगान मुक्त भूमि दी जाती थी नेक्स्ट, दास प्रथा प्रचलित थी, नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य का विभाजन प्रांत अर्थात मंडल कौमा जिला कोट्टम या वलनाडु मेलाग्राम अर्थात 50 गांवों का समूह जिसे नाडू कहा जाता था, तथा उद गांव को कहा जाता था, नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य में पुलिस पदाधिकारियों को वेतन वेश्याओं से लिए जाने वाले कर से
दिया जाता था। लिए जाने वाले कर से दिया जाता था। छतगन, यह है विजयनगर साम्राज्य का प्रशासन, जिसके सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को आपको ध्यान देना है, आपको मनन करना है, आपको अध्ययन करना है और एक एक चीजों को गौर करना होगा, याद रखना होगा, ताकि प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाएं तो दिक्कत न हो। छतगन, विजयनगर साम्राज्य का प्रशासनिक तंत्र जो था वो राजतंत्रात्मक था। छतगन, राजा के बाद उसके वंश के ही व्यक्ति अगले उत्तराधिकारी बनते थे, इसलिए राजा सर्वोच्च था, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। छतगन, विजयनगर साम्राज्य में दो व्यवस्थाएं काफी प्रचलित थी, एक थी आयंगर व्यवस्था, दूसरी थी नायंगर व्यवस्था। छतगन, आयंगर व्यवस्था क्या थी? गांव का शासन चलाने के लिए 12 व्यक्तियों का एक समूह बनाया जाता था, इसे ही आयंगर व्यवस्था कहा जाता था। 12 व्यक्तियों का एक समूह गांव का शासन चलाता था, इसे कौन सी व्यवस्था कहते थे? छतगन, आयंगर व्यवस्था कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। छतगन, नायंकर व्यवस्था क्या थी? सैनिकों के सर्वोच्च अधिकारी को नायक कहा जाता था। सैनिकों को वेतन के बदले भूमि दी जाती थी छतगन, जिसे अमरम कहा जाता था, और इस व्यवस्था को नायंकर व्यवस्था के नाम से जाना जाता था। यह एक सैन्य प्रणाली थी, है ना, जिसके तहत सैनिकों और उसके सर्वोच्च सेनापति की नियुक्ति की जाती थी और उन्हें वेतन के बदले भूमि दी जाती थी, जिससे वह सैन्य संचालन की कार्रवाई कर सके, इसे ही नायंकर व्यवस्था कहा जाता था और सेनापति को नायक कहा जाता था। ध्यान रखिएगा छतगन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। छतगन, विजयनगर साम्राज्य में जो सैन्य विभाग था उसे कंडाचार के नाम से जाना जाता था। विजयनगर साम्राज्य को प्रशासनिक इकाइयों में जो बांटा गया है छतगन, प्रांत, जिसे कि संपूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता था, कोट्टम या वलनाडु जिला कहलाता था छतगन, नाडु 50 गांवों का समूह कहलाता था और उर ग्राम कहलाता था। ये क्वेश्चन भी छतगन आता है। तो प्रांतों को क्या कहते थे छतगन? मंडल। जिले को क्या कहते थे? कोट्टम या वलनाडु। 50 गांवों के समूह को क्या कहते थे छतगन? है ना, नाडु, मेला ग्राम भी कहा जाता था, और गांव को उर कहा जाता था। यह भी आपको छतगन याद रखना होगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। इसलिए आपको जितनी भी बातें लिखाई गई हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। छतगन, एक सबसे महत्वपूर्ण बात जिसे आप ध्यान रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य में जो वेतन दिया जाता था, विशेष तौर पर पुलिस पदाधिकारियों को जो वेतन मिलता था, वह वेश्याओं अर्थात गणिकाओं से जो टैक्स प्राप्त होती थी, आय प्राप्त होती थी, कर प्राप्त होता था, उसी से दिया जाता था। यह यूपीएससी से लेकर हर जगह क्वेश्चन पूछ चुका है छतगन, इसलिए आपको इस पर पैनी निगाह रखनी होगी, ध्यान रखना होगा, है ना। पूछेगा, विजयनगर साम्राज्य में पुलिस प्रशासनिक पदाधिकारियों को वेतन कहां से दिया जाता था? नंबर एक, राजकोष से। नंबर दो, भू राजस्व या लगान से। नंबर तीन, वेश्याओं से प्राप्त आय से। नंबर चार, इनमें से कोई नहीं। तो वेश्याओं से प्राप्त आय से या वेश्याओं से प्राप्त कर से यह दिया जाता था। ध्यान रखिएगा, चूंकि यूनिक क्वेश्चन है छतगन, वेश्याओं से, गणिकाओं से जो टैक्स लेती थी सरकार, उससे वह वेतन किसे देती थी? पुलिस पदाधिकारियों को वेतन देती थी। दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इसे ध्यान रखना होगा, मनन करना होगा, याद रखना होगा और एक एक बातों को छतगन स्मरण करना होगा, ताकि प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाएं तो कहीं दिक्कत ना हो, मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़े। छतगन, दूसरा सवाल जो आपसे पूछा जाएगा, विजयनगर साम्राज्य में भू राजस्व की दर, लगान की दर कितनी थी? 1/6 थी छतगन।
ये क्वेश्चन भी कई बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, है ना। विजयनगर साम्राज्य में भू राजस्व की दर कितनी थी, तो 1/6 थी, 1/6 थी। विजयनगर साम्राज्य में भू राजस्व की दर 1/6 थी, इसे भी आपको ध्यान में रखना होगा, इसे भी मनन करना होगा, इसे भी याद रखना होगा, इसे भी गौर करना होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है छात्रगण, इसलिए आपको इसे ध्यान रखना होगा। अब हेडिंग बनाइएगा छात्रगण, विजयनगर साम्राज्य की सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था। विजयनगर साम्राज्य में सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था व्यवस्था लिखिए। विजयनगर साम्राज्य में महिलाओं को राजा की अंगरक्षिका के रूप में नियुक्त किया जाता था, नियुक्त किया जाता था। नेक्स्ट, मनुष्य के क्रय विक्रय, मनुष्य के क्रय विक्रय को वेश्वाग कहा जाता था। ये क्वेश्चन भी आ चुका है छात्रगण, मनुष्य के क्रय विक्रय को वेश्वाग कहा जाता था, कहा जाता था। नेक्स्ट, मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को देवदासी कहा जाता था, देवदासी कहा जाता था। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य साम्राज्य में दस्तकार वर्ग के लोग जो व्यापार में निपुण होते थे, निपुण होते थे, उन्हें वीर पंजाल कहा जाता था, पंजाल कहा जाता था, पंजाल कहा जाता था। उत्तर भारत से आकर दक्षिण भारत में बसने वाले लोगों को बलवा कहते थे, बलवा कहते थे। नेक्स्ट, शतरंज का खेल अत्यधिक लोकप्रिय था, अत्यधिक लोकप्रिय था, तथा राजा कृष्णदेव राय इस खेल में काफी निपुण थे, काफी निपुण थे। नेक्स्ट, महानवमी का पर्व काफी प्रचलित था, महानवमी का पर्व काफी प्रचलित था, तथा इस पर्व में विशाल जुलूस जुलूस निकाला जाता था, जिसमें राजा भी भाग लेते थे। नेक्स्ट,
विजयनगर की मुद्रा को पेगोडा कहा जाता था। पेगोडा कहा जाता था। नेक्स्ट, आय का सबसे बड़ा स्रोत भू राजस्व या लगान था। लगान था। नेक्स्ट, किसानों को कृषि कार्य के लिए पट्टे पर भूमि दी जाती थी। कृषि कार्य के लिए पट्टे पर भूमि दी जाती थी जिसे कुट्टगी कहते थे। यह छात्रगण विजयनगर साम्राज्य की सामाजिक एवं धार्मिक अवस्था जिसे आपको ध्यान रखना है। छात्रगण, विजयनगर साम्राज्य में विवाह पर कर लिया जाता था, लेकिन कृष्णदेव राय ने विवाह पर कर को समाप्त कर दिया। छात्रगण, विजयनगर साम्राज्य में विधवा विवाह पर कर नहीं लिया जाता था। यदि कोई व्यक्ति विधवा से विवाह करता था तो उसे कर नहीं देना पड़ता था, ध्यान रखिएगा, है ना। लेकिन जो सामान्य विवाह होते थे उस पर कर देना पड़ता था। छत्रगण, कृष्णदेव राय ने विवाह कर को समाप्त कर दिया। छत्रगण, विजयनगर साम्राज्य में दास प्रथा भी प्रचलित थी तथा मनुष्य के क्रय विक्रय को वेशवाग कहा जाता था, ध्यान रखिएगा। यह क्वेश्चन भी आ चुका है, खरीद बिक्री को, मनुष्य के खरीद बिक्री क्रय विक्रय को क्या कहते थे छत्रगण? वेशवाग कहते थे, वेशवाग। उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसने वालों को बड़वा कहा जाता था छात्रगण, यह भी आपको ध्यान रखना होगा, यह भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और जबरदस्त रूप से आता है। छात्रगण, देवदासी प्रथा प्रचलित थी। मंदिरों में भगवान की सेवा करने के लिए जो स्त्रियां होती थी उन्हें देवदासी कहा जाता था, इसे भी आपको याद रखना होगा। देवदासी प्रथा भी बहुत ही प्रचलित थी। छात्रगण, शतरंज का खेल अत्यधिक लोकप्रिय था और कृष्णदेव राय स्वयं शतरंज के खेल के एक बहुत ही माहिर खिलाड़ी थे, इसे भी आपको ध्यान रखना होगा। छत्रगण, महानवमी का पर्व काफी प्रचलित था और महानवमी के पर्व में राजा स्वयं हाथी पर सवार होकर के निकलते थे, है ना। पूछेगा विजयनगर साम्राज्य में कौन सा पर्व अत्यधिक लोकप्रिय था? महानवमी का पर्व अत्यधिक लोकप्रिय था। तो छत्रगण, ये सारी चीजें प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, ये सारे चीजों को आपको छात्रगण ध्यान में रखना होगा और एक एक चीजों को गौर करना होगा। जितने भी टर्मोलॉजी मैंने लिखाई है, जितने भी टर्म्स मैंने लिखाए हैं, सब क्वेश्चंस आते हैं छात्रगण। इसलिए विजयनगर साम्राज्य से जुड़े हुए हर पहलू को, भू राजस्व की दर क्या थी, तो 1/6 थी, बलवा कौन थे, बेसबाग क्या था, कुटगी क्या था, सारे टर्मोलॉजी को छात्रगण याद रखिएगा, ये मेरा आपसे अनुरोध होगा, है ना। तो छात्रगण, ये है विजयनगर साम्राज्य से जुड़े हुए हर महत्वपूर्ण पहलुओं का गहन और विस्तृत अध्ययन। इसके बाद छत्रगण, विजयनगर साम्राज्य के बाद बहमनी साम्राज्य की हम लोग शुरुआत करेंगे। यह भी मध्यकालीन भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है छत्रगण।